प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी जी को, इनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी दबंग वकील नाजी लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। उनके शौहर इमाम साहब जो मस्जिद के अंदर 10 साल की माइनर बच्ची का बलात्कार करते थे, वीडियो बनाते थे, वो बैठ करके बीवी जो है वो देखती थी और मजा लेती थी, अदरवाइज देखेगी क्यों। बिल्कुल आपने सही कहा कि धर्म के मानने वाले, इस्लाम मजहब के मानने वाले पुरुषों की खुशनसीबी है और मुसलमान बेटियों की बदनसीबी है कि मुसलमान मर्द बलात्कार करे, मुसलमान मर्द मॉलेस्टेशन करे, मुसलमान मर्द बोटियां करे, मुसलमान मर्द ईव टीजिंग करे, मुसलमान मर्द अभद्र गालियां दे, मुसलमान मर्द माँ बहन की गंदी गंदी गालियां लिखे भी और मुंह से बोले भी, मुसलमान मर्द मर्डर करे, मुसलमान मर्द टेररिज्म एक्टिविटीज करे, पर किसी भी तरीके की कोई भी फतवा कभी भी जारी नहीं होता है की कोशिश कर रहे थे और फतवा जारी हो गया, लेकिन पुलिस एक्शन लीगल एक्शन रिजवान पर लेना पड़ा और 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, कहीं से कोई फतवा नहीं आया है, कहीं से कोई फतवा नहीं आया। तो अब आप समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। अच्छा, मैं रिजवाना के बारे में जो मजा लेती थी देख करके, अपने शौहर को 10 साल की बच्ची के बिस्तर पर देख करके मजा लेती थी, मैं बार बार कहती हूं इस बात को कि बहुत समझदारी से हमारे भारत की हर बच्चियों को, हर बेटियों को अपने दोस्त भी बहुत समझदारी से बनानी चाहिए अगर वो मुसलमान। नाजिया, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खबर आई है, 10 साल की बच्ची का रेप होता है मस्जिद का मौलाना, जो बच्ची को कुरान और दीनी दर्श देता था उसी ने बच्ची का रेप किया, और इस सब में उसकी पत्नी, मौलाना का नाम रिजवान और उनकी पत्नी का नाम रिजवाना, उनकी पत्नी पहरा देती थी जब बच्ची का शोषण होता था। इस तरह की ये कोई अकेली वाहिद खबर नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों से ये खबरें आती जा रही हैं और जब भी इनको रिपोर्ट किया जाता है, इस पर चर्चा होती है, तो ये कहा जाता है कि अरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि ये टॉपिक के बाद मैंने बहुत रिसर्च मारा, बहुत रिसर्च किया है, पूरे भारत में किसी ने फतवा नहीं जारी किया इस मौलाना के ऊपर। ये इस्लाम धर्म के मानने वाले, इस्लाम मजहब के मानने वाले पुरुषों की खुशनसीबी है और मुसलमान बेटियों की बदनसीबी है कि मुसलमान मर्द बलात्कार करे, मुसलमान मर्द मॉलेस्टेशन करे, मुसलमान मर्द बोटियां करे, मुसलमान मर्द ईव टीजिंग करे, मुसलमान मर्द अभद्र गालियां दे, मुसलमान मर्द माँ बहन की गंदी गंदी गालियां लिखे भी और मुंह से बोले भी, मुसलमान मर्द मर्डर करे, मुसलमान मर्द टेररिज्म एक्टिविटीज करे, पर किसी भी तरीके की कोई भी फतवा कभी भी जारी नहीं होता है। पर हमारी मुसलमान बेटियां अगर तलाक के खिलाफ आवाज उठाती हैं, अगर दारुल उलूम देवबंद में एंटर करके एक दो फोटोज ले लेती हैं जो कि वहीं पढ़ती हैं, तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है, उनको उनको बहुत सारी अभद्र चीजों का सामना करना पड़ता है। मैंने इसको पूरा बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा और उसके बाद इसकी न्यूज देखी और उसके बाद और भी दो चार जगह जाकर के रिसर्च मारा। ये मौलवी साहब जो है, जनाब मौलवी साहब, इज्जत से बोलना पड़ेगा, जनाब मौलवी साहब जो है ये मस्जिद के अंदर ही इनका घर था जहां पर ये रहते थे, और अल्लाह के घर मस्जिद में इतनी पाक मुकद्दस जगह पे जहां पर आयतें पढ़ी जाती हैं, सूरह पढ़े जाते हैं, जहां पर शहादत का कलमा पढ़ा जाता है, जहां पर तहलीमा बांधा जाता है, जहां पर अजान होती है 5 वक्त, अल्लाह का नाम पुकारा जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, जहां पर रुकू लिया जाता है, जहां पर सजदा किया जाता है, ऐसे अल्लाह के पाक मुकद्दस घर के अंदर रिजवान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा रिजवाना साहिबा दोनों मिलकर के एक 10 साल की बच्ची का
शोषण करते थे और एक बैठ करके देखती थी और मर्द उनके जो हस्बैंड है रिजवान वो उनका बलात्कार करते थे 10 साल की बच्ची का। जब भी अंबर मैं ये बात बोलती हूँ कि हमारे लिए बहुत बदकिस्मती है कि 6 साल की उम्र में 52 साल का आदमी हमें औरत समझता है, बच्ची नहीं समझता है, तो मुसलमान मुझे उनका बस चले ना तो मेरी बोटियां नोच ले, मेरी बोटियां काट ले, वो मेरे चिथड़े चिथड़े कर दे। लेकिन जब रिजवान जैसे मौलाना, जब नासिर खान जैसे मुसलमान, जब आफ्ताब जैसे मुसलमान, जब बुरहान जैसे मुसलमान, जब अफजल गुरु जैसे मुसलमान, जब याकूब मेमन जैसे मुसलमान अश्लीलता की हदें, टेररिज्म की हदें, क्रिमिनल एक्टिविटीज की हदें क्रॉस करता है, तब एक भी मौलवी, मुल्ला, एक भी मुसलमान समाज का ठेकेदार सामने आकर के ये नहीं कहता है कि इसके ऊपर फतवा जारी हो रहा है और इसको इस्लाम से बेदखल किया जा रहा है। बड़ा बड़ा अफसोस होता है अंबर मुझे इस बात का भी। कल मैं एक टॉपिक पर नेशनल न्यूज पर थी जिसमें जो टॉपिक थी कि मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने कहा है कि सारे मदरसों में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए और राष्ट्र गान जनगण मन गाना चाहिए। तो वहां के जो मदरसों के जो हेड है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा राष्ट्रगान नहीं होगा, हमारे मदरसे में राष्ट्रगान नहीं होगा, इस्लाम को खतरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रगान से जो हमारे गौरव का संगीत है, तिरंगे झंडे से जो हमारी आन बान शान है, उससे इस्लाम खतरे में आता है। पर रिजवान साहब जब 10 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं और उनकी बीवी के सहयोग से, तो इस्लाम खतरे में नहीं आता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया खान जी का यह दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा कैसे भारत की बेटी नाजिया खान जी ने इस मदरसे के मौलवी को एक्सपोज किया जो खुद बीवी के साथ मिलके एक 10 साल की बच्ची का यौन शोषण किया करता था और उसकी बीवी उसकी वीडियो बनाया करती थी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।